कभी कभी लगता है कि इतना सिंपल खाना बनाए पर पसंद सबको आए। टेस्टी सा फ्राई मैंने दाल फ्राई बनाया है, बहुत ही टेस्टी ये दाल है और सबको पसंद आने वाली है। इसको चाहे रोटी के साथ खाइए चाहे चावल के साथ, पर गर्मा गर्म खाइएगा। एक बार आप बनाइए तो देखिए घर में सब तारीफ करेंगे आपकी। बहुत ही टेस्टी दाल है फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल में आज न्यू है वो जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम सब मिलके चलते हैं शताब्दी द किचन्स में। हेलो फ्रेंड्स, मैं शताब्दी और शताब्दी द किचन्स में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने मसूर की दाल ले ली है, ये देखिए मटके की दाल जिसको बोला जाता है, इसको मैंने हाफ कप लिया है। तो अब इसको धोकर मैं कुकर में सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है गल जाता है दाल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको मैं कुकर में डालूंगी ताकि ये अच्छे से जो है उबल जाए। मसूर की दाल खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, पर इसको थोड़ा स्पेशल बनाऊंगी इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ये वाली रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जितना पानी डालना है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो मैंने आधा कप है दाल, तो मैं इसमें आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा मैंने पानी लिया है। नमक हल्दी अभी मैं इसमें यूज नहीं करूंगी। तो अब मैं इसको गैस में चढ़ा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दाल में जो है 2 सीटी लग गई है, अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। तो देखिए मैं कढ़ाई में सरसों का तेल ले ले रही हूँ। दाल वगैरह जब मुझे तड़का लगाना होता है तो मैं हमेशा सरसों के तेल से ही लगाती हूँ। तो तेल जो है गर्म हो गया है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ले लिया है। इससे क्या होगा, दाल का कलर बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था मैंने हल्दी यूज नहीं किया है, तो 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है फ्रेंड्स। अब इसको थोड़ा मैं फ्राई कर लूंगी थोड़ी देर के लिए। इसमें डालूंगी साबुत लाल मिर्च। इससे क्या होता है कि दाल को जो है बाद में और तड़का लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है, वरना हम कभी कभी दाल में एक्स्ट्रा तड़का भी लगाते हैं तो इससे वही टेस्ट आने वाला है। यहाँ मैंने 1/2 कप प्याज जो है काट लिया था, इसको मैं डाल रही हूँ। अब इसको एकदम ही कम आंच में फ्राई करना है फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल ये वाली दाल है, ये मेरी मम्मी से मैंने सीखा हुआ है। ये दाल को इतना टेस्टी बना देता है। जरूर सिंपल है पर खाए, एक बार आप खाइएगा बना के तो बहुत टेस्टी लगने वाली है। देखिए थोड़ा 2 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 टीस्पून नमक। दाल को उबालते हुए मैं नमक नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा जब भी मैं तड़का लगाती हूँ तभी मैं नमक का यूज करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है टमाटर पहले से था, तो आधा टमाटर छोटे टमाटर का मैंने यहाँ पे डाला है इसको। तो ये भी थोड़ा इसके साथ जो है फ्राई कर लूंगी। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च को काटा था, उसको मैंने इसमें डाला है। इसको भी मैं इसके साथ फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, जब भी कोई भी मैं खाना बनाती हूँ, जब भी तो कोई भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मैं हर एक रेसिपी शेयर करती हूँ, जो भी मैं घर में बनता है उसी को शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों का काम भी आसान हो जाए। क्योंकि बहुत देर तक खाना बनाना भी तो ठीक नहीं लगता है, कभी अगर स्पेशल फेस्टिवल हो तो चलिए टाइम लग जाता है, पर डेली का जो खाना बनता है मैं उसको सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है टमाटर भी अब स्मैश होने वाला है, थोड़ी देर और रखूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये देखिए एकदम जो है, देखिए आप देख लीजिए कि मसाला जो मैंने इसमें दाल के लिए बनाया है कितना स्पेशली कितना यम्मी लग रहा है। अब देखिए मैं इसमें दाल जो है डाल दूंगी। देखिए मैंने दाल इसमें डाल दी है। अब थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो मैं क्या करूंगी, उस कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के वो वाला पानी इसमें डालूंगी। देखिए 1/2 कप के बराबर या थोड़ा सा कम मैंने इसमें डाला है। देखिए दाल बनकर बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इसको मैं उबाल लूंगी, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि छुट्टी वाले दिन जब भी आप दाल बनाते हैं तो वैसे भी काफी काम होता है, तो जल्दी से किस तरह से कम टाइम में खाना बन जाए वो भी टेस्टी वाला,
तो वही टेस्टी वाली दाल जो है मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है। तो थोड़ा सा ये इसमें उबाल आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें उबाल आ गया है, तो अब इसमें मैं डालूंगी धनिया का पत्ता। धनिया के पत्ते के बिना तो कोई भी दाल जो है वो कंप्लीट नहीं हो लगती है, और खासकर मसूर की दाल में अगर आप धनिया के पत्ते का यूज करेंगे तो ये दाल जो है खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स देखिए दाल बनकर बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए टेस्टी टेस्टी सा बहुत ही सिंपल एक दाल फ्राई बनकर तैयार है। फ्रेंड्स आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, एक बार मेरी रिक्वेस्ट से जरूर इस दाल को बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी है दाल। तो जो फ्रेंड्स आज मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे देखिए बेल आइकन है क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाली हूं।